ग्राम पंचायत पान बिहार के सरपंच पद के उम्मीदवार रानी दीपेंद्र सिंह गौतम ने आज अपने भारी समर्थन के साथ जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। घटिया तहसील ग्राम पंचायत पान बिहार के सरपंच पद के उम्मीदवार रानी दीपेंद्र सिंह गौतम ने आज पान बिहार में जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीर्वाद दिया। वैसे देखा जाए तो दीपेंद्र सिंह पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे पान बिहार पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार जब अवंतिका एक्सप्रेस की टीम ने दीपेंद्र सिंह गौतम से बातचीत की तो गौतम का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं काफी योगदान देता आ रहा हूं, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं गांव को एक सुनहरा और विकास के उस पैगाम पर देखना चाहता हूं जो वास्तविकता में एक नया आयाम बने। इस गांव में विकास की धरोहर गांव के व्यक्ति ने कभी सोची भी नहीं थी। मैं अपने गांव के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि अगर मैं योग्य हूं तो मुझे अवश्य चुने और मेरा चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, इस पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय दिलाएं। यहाँ पर दीपेंद्र ने 15 साल तक सेवा की है इस गांव की। यहाँ के सैकड़ों हजारों बच्चों को एक नया आयाम दिया है, नया सवेरा खिलाया है। उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और निःशुल्क किया है, ये गवाह है उसका। बीच में मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी हमें कहीं आमंत्रण मिला है और हम निश्चित रूप से उसमें भी कहीं जाएंगे। और आज केवल वो वापस इस ग्राम विकास की नई दौड़ में खड़ा हुआ और हमने ये बताया, हमने कहा कि आप हमारा नाम अगर शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ा किया है तो विकास के क्षेत्र में ये जो पान बिहार की हालत देख रहे हैं अपन, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये सबसे बड़ी हमारी विधानसभा की पंचायत है और उस पंचायत की अगर ये दुर्दशा है तो शायद कह रहे मुझे तरस आता है। मैं भी इसी ग्राम पंचायत का एक छोटा सा नागरिक हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक नया सूरज निकले, एक नई युवा शक्ति आए, एक नया विकास हो और ये पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में तब्दील होगी, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। मतदाताओं से यही कहेंगे, हमने कहा कि हमें वोट की जरूरत नहीं है आपके, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अगर वोट मांगूंगा तो शायद उनको अपमान होगा, मैं नहीं चाहता कि उनसे छोटी सी चीज़ मांगूं, वो तो हमें जान देने को तैयार है, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है वोट देना तो। और इसके लिए तो और कम से कम 500 से ऊपर की लीड लेकर हम लोग क्या यहाँ से जाएंगे, बिल्कुल ये हमारी संभावना है और ऐसा बहुत प्यार हम लोगों को मिल रहा है। देखिए अभी जनसंपर्क के दौरान बहुत समस्याएं देखने को मिली और शुरू से शिक्षा के प्रति तो मेरा रुझान रहा और विशेषकर बालिका कॉलेज को लेकर बहुत लंबे समय तक मांग करता रहा, वो सीएम राइज स्कूल की मांग है। और इसके अलावा गांव में सड़कें और बहुत छोटी छोटी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आज़ादी के बाद से आज तक भी नहीं मिल पाई, तो देख के थोड़ा मन दुखी होता है। मेरा क्षेत्र नहीं, मैं बहुत अच्छा काम मुझे लगता है कि एजुकेशन के माध्यम से कर सकता हूँ, पर जब समस्याएं देखता हूँ ऐसा लगता है कि नहीं
अगर कुछ इस फील्ड में अंदर आके बदलाव कर सके तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ये राजनीति को आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गुरु है और वहाँ पर आके या इस प्रकार का क्या एक नई विकास की तरह बहुत मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं होते उनके चुने जाने के कारण भी विकास कार्य नहीं हो पाते, तो मुझे लगता है कि मेरे आने से नए जनरेशन की शुरुआत भी होगी कि अब ये जो नए लोग हैं उनके हाथ में पागडोर आए। विकास का नया आयाम क्या रहे, प्लान क्या रहे, जो पूरा 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 मतलब जो गांव है उसमें हर किसी को मतलब बिना किसी भेदभाव के उसका काम हो सके, उसका कोई काम नहीं रुके, और हर घर से गरीब बच्चा, जैसे बड़े बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ ही लेते हैं पर गरीब बच्चा भी CBSE पैटर्न जैसे बड़े स्कूलों में पढ़े ताकि जो बेसिक अच्छी शिक्षा मिले और वो गांव से बाहर जाके उसको रोजगार भी अच्छा। मैं यही अपील करूंगा, मैं लंबे समय तो उनके सामने हूं और अब तो मुझे जो करना था मुझे लगता है कि वो सब उनके सामने है, अब उनको जैसा भी अगर मुझे वो सही मानते हैं या इतने समय से जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है और मैं योग्य हूं तो मुझे जरूर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जी हैंडपंप है और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि इस बार हैंडपंप को और बहुत मतलब ह्यूज ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, वो कम से कम अच्छे काम, शिक्षा, सुधार, बदलाव के नाम पे वोट दें। और मैं फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि उनको ऐसा लगता है कि योग्य हूं तो वो मुझे चुने, अन्यथा आज जनता जो है आज इस समय सब अवेयर है, सब जागरूक है और अच्छा भला बुरा वो जानते हैं अच्छे से। क्या पूरा नाम?